जय सीताराम, नमस्ते। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक बड़ी अच्छी चीज़ कि, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से, वाहिगुरु से, कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए, प्यार से दुनिया रहे। तो आपको दिखाते हैं अभी ऑस्ट्रिया से जर्मनी का बॉर्डर कि, और आपको इलाका भी दिखाते हैं कितना सुंदर है ये। सो ये आप जो देख रहे हैं अभी, ये हमारा ऑस्ट्रिया है और ये जो भीड़ें चल रही हैं ये ऑस्ट्रिया में है, और जो एक लाइन सी दिखाई दे रही है ये बॉर्डर है एक्चुअली, ये जो जा रही ऊपर। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर का सिस्टम क्या होता है इधर। ये एक कूर हाउस है बोलते हैं, छुट्टियां काटने के लिए होटल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपको देसी दवाइयाँ और आपका इलाज भी करते हैं। ये एक गेस्ट हाउस है, जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बर्लिन में, बड़े बड़े शहरों में जो उब जाते हैं ट्रैफिक दूर दुनिया से, तो वो आते हैं इधर 15-15 दिन के लिए, महीने के लिए, जितना भी कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये देखो भी लोग इधर खाना पीना खा रहे हैं। ये होटल का नाम है क्रांस बिकल होफ, अगर आप इसको गूगल में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ खड़ा था। तो हिंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को भी हिंदी आती है, मैं कि वो दूसरे भी देख सकें, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो डोगरी, जो जम्मू की लैंग्वेज है, वो बोलता हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखाने के लिए कि सबको समझ लग जाए इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। और ये जो आपको काले काले दिखाई दे रहे हैं, ये चूहे इधर से जाते हैं अंडरग्राउंड जर्मनी, तो इन्होंने इधर चूहे ने निकाली हुई है रूडा, तो वो चूहे क्योंकि उनको नहीं पता कि इधर से रास्ता है, वो सोचते हैं अंडरग्राउंड ही ठीक रहता कि कहीं बिल्ली की नज़र ना मेरे ऊपर पड़ जाए। तो वह ज़्यादातर सफ़र जो है अंडरग्राउंड ही तय करते हैं। तो आगे आ गई आपकी बात जी, ये जो मैं इधर खड़ा हूँ ये ऑस्ट्रिया है, ये वाला घर है जो ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है, और वो वाला घर है जो वो जर्मनी में पड़ता है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये दीवार ये वाली जो जा रही ना, बस ये बॉर्डर है। तो ये वाला पहले होता था चेक पॉइंट 95 तक, जहाँ पे पासपोर्ट चेक करते थे तो फिर जाने देते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी, तो तब भी कोई वो नहीं थी, गोली गाली नहीं चलती थी, सिर्फ यही परमिशन दिखाओ आपके पास है अगर, पासपोर्ट देखते थे खाली। तो ये हमारा ऑस्ट्रिया का फ्लैग है, ये जो लाल रंग है ना, ये ऑस्ट्रिया में अगर बाई रोड आपने जो जीटी रोड पे जाना है तो आपको ये लाल रंग का स्टिकर लगाना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको जो नेशनल हाईवे है उस पर जा सकते हो, और इसके बगैर आप सिर्फ ऐसी वाली रोडों पे जो गांव में जाती हैं, जहाँ जीटी रोड नहीं ले सकते आप। ठीक है, आपको दिखाते हैं कितना प्यारा वुडन हाउस है, जहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि वुड को ना, जैसे देवदार की लकड़ी लगी है तो इसको पेंट नहीं करते हैं कि इसकी बेइज्जती हो जाएगी लकड़ी की, तो इसमें बड़ी अपने रिस्पेक्ट समझते हैं लोग, अपने घरों में भी कुर्सियाँ मेज सारे ऐसे ही रहने देते हैं जैसे हैं। तो अब आ गए जी बात इधर, एक ऑफिस बना हुआ है अभी, जैसे अपने घर बनाना है तो जो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे डिज़ाइन करना है कैसे, और जो बना के भी देते हैं। ये बिना नंबर की गाड़ियाँ हैं, ये फोल्क्सवागन की, वोल्क्सवागन जिसको बोलते हो आप, फोल्क्सवागन होता है जो, उसका मतलब होता है, फोल्क्स का मतलब होता है पब्लिक, वागन का मतलब होता है गाड़ी, पब्लिक की गाड़ी, क्योंकि जर्मनी में मर्सिडीज और BMW बनती थी, तो बड़े लोग ले लेते थे, छोटे अफोर्ड नहीं करते थे, फिर फोल्क्सवागन ने ये गाड़ी बनाई थी। इसके अंदर इंजन होता है स्कोडा का, सारी फोल्क्सवागन में। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये है चेक पॉइंट जी, इधर रोक के आपको पूछते थे भाई कड्डो कादक दिखाओ, कादक कागज दिखाओ, कागज। और ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर जो काला काला से, ये गोबर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये घास, जहाँ पे सारा बायोलॉजिकली घास होता है, जो दूध गायें चरती हैं यहाँ पे, जैसे, और ठीक है जी। अब आ गया आपका जी ये, मतलब ये झंडा है, ये जर्मनी का है, तो टोल पड़ी गया 7.5 टन के ऊपर आपको टोल देना पड़ेगा इस रोड का। तो आज मौसम बड़ा साफ है, और आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये जो पहाड़ी के ऊपर आपको एक
ये जो आपको एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, ये हिटलर का काफ़ी हाउस था। इसको बोलते हैं ईगल्स नेस्ट, ईगल का नेस्ट, बाज का घोंसला। तो सूरज पड़ रहा है शायद आपको, ठीक है जी। बस ये बोर्ड लगा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बुंदेस रिपब्लिक डॉयचलैंड। डॉयचलैंड बोलते हैं जर्मनी को जर्मन लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में बोलते हैं जर्मनी। तो ये स्टार लगे हैं यूरोपियन स्टार, यूनियन स्टार्ट हो गई है। तो ये आ गई आपके जो मेयर होता है ना, मेयर क्या कहते हैं इसको, म्यूनसिपल एरिया, उसका बोर्ड लगा कि ये आप इस म्यूनसिपल एरिया में आ गए हो। लैंड स्क्राई और 50 किलोमीटर रखी हुई इन्होंने। तो अभी देखो एक और चीज़, ये जो दो घर है ना इनका, क्योंकि बॉर्डर ऐसे घूम के गया पीछे, तो एक घर जर्मनी में है और दूसरा घर ऑस्ट्रिया में है। तो जो ये पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं उन्तसबर्ग, निचले पहाड़। तो ये इस तरफ वाला हिस्सा जर्मनी में है और पिछले वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया में है। तो जब आप देखोगे ये जितने भी लोग हैं, ये जो नमी गाड़ियाँ किसी की जो शोरूम वाले लगाए जाते हैं कि हम बेचने के लिए यहाँ से ले जाएंगे उठा के, तो बेसिकली ये गाड़ियाँ, इनमें से आधी गाड़ियाँ जो हैं कि वो गाड़ी यहाँ खर्च पार्क करके तो पैदल जाते हैं घूमने पीछे पहाड़ियों में, बड़ी दूर दूर तक आप जा सकते हो बिना रोक टोक के, बिना लोगों को भी परेशानी नहीं होती कि आप क्यों घूम रहे हो साड़ी गली बेच। तो जैसे कोई साइकिल पे जा रहा है या पैदल जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई ये गड्डी के बगैर जा रहा है और वर्ल्ड का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने वाला बंदा है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो या रिस्पेक्ट तीन, दोनों में से एक देनी पड़ती है, फिर दो वाला ही देते हैं वो, ठीक है। ये वाली जो सड़क जा रही है आपको कोई इसमें रोक टोक नहीं है, आपने बिना रुके टुके ही चले जाना सीधा ऑस्ट्रिया। इधर से जाओगे तो आगे ऑस्ट्रिया आएगा, उधर से जाओगे तो इधर जर्मन आएगा, बीच में कोई इटली वगैरह नहीं आएगा, इटली आएगा। अगर आप इटली से आओगे तो ऑस्ट्रिया बीच में आएगा जर्मनी के। तो बिल्ड मोस लिफ्ट, जहाँ पे छोटी लिफ्ट लगी हुई है, जहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कीइंग की ट्रेनिंग करते हैं विंटर में, तो गर्मियों में यहाँ पे लोग पशु रखे हैं सबने, गायें और भैंस, बेड़े, भेड़ कम है ज़्यादा गायें ही हैं, दूध बड़ा होता है, दूध मिल्क प्रोडक्ट बड़े हैं ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में, इस बवेरिया में। तो यही आपको बताना था कि अल्लाह वाहेगुरु माता रानी करे कि दुनिया की दूरियां ख़त्म हो और एक दूसरे को लोग बिना रोक टोक मिलें, प्यार बने। यही कहते हुए आपको सूरज भी दिखा देता हूँ कि इधर सूरज भी चढ़ता है यूरोप में कभी कभी चढ़ता है। तो ये जो ऊपर लाइन देख रहे हो, ये एरोप्लेन क्रॉस हो गया अभी, तो नीला आसमान है आज, साफ सुथरा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप गर्म गर्म चाय पी लेना मेरा नाम लेके। आपके और आपके परिवार को भगवान तंदुरुस्ती दे, खुश रहो, हंसते रहो ते बसते रहो, डोगरे हो ते इंडियन हो, जय सीताराम, सत श्री अकाल।